हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली। फ्रेंड्स, इंपोर्ट की फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताई कंपनी ब्लास्टर कंपनी 2017-18 से डाटा एक्सपोर्ट करना, और इंपोर्ट की सेकंड पार्ट में मैं आपको बताई ब्लास्टर कंपनी 2018-19 में डाटा इंपोर्ट करना। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हमने डाटा एक्सपोर्ट की थी और इंपोर्ट हुआ है, उसमें जो इंट्री थी, यानी कि मान लीजिए कोई लेजर्स वगैरह, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है, वो देखने के लिए। तो इस वीडियो में आइए हम देखते हैं डाटा इंपोर्ट हुई है नहीं। तो हम अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे और लेजर्स पे एल प्रेस करेंगे एंड आएंगे डिस्प्ले पे। तो ये सारी डाटा इंपोर्ट हो चुकी थी। अब हम जो पिछली कंपनी की क्लोजिंग बैलेंस थी उसे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे देखना चाहे, तो उसके लिए हम आएंगे डिस्प्ले पे, हाईलाइट वर्ड कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम आएंगे अकाउंट्स बुक पे, सॉरी लिस्ट ऑफ अकाउंट पे, और यहाँ पे हाईलाइट वर्ड एल प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिस्ट ऑफ अकाउंट है सारी, वो तो इंपोर्ट हो चुकी है। अब इन सब के क्लोजिंग बैलेंस जो थे पिछली कंपनी के, वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो हमें ओपनिंग बैलेंस देखने के लिए जाना होगा वापस अकाउंट्स बुक पे, और यहाँ से हम आएंगे, यहाँ हाईलाइट वर्ड कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे हम लेजर्स पे। अब जैसा कि हम आपको बता दें, जब हम कंपनी एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट किए थे, तो उसमें जो भी इनकम या एक्सपेंस हो उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस होती है वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे अगली कंपनी में इंपोर्ट नहीं होती है। अगर आपने उससे भी इंपोर्ट किया तो वो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो नई वाली कंपनी में जीरो दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। इंपोर्ट होती है एसेस्ट की क्लोजिंग बैलेंस, करंट लायबिलिटीज की, सेंडरी डेटर्स की, केटर्स की, इन सब की जो भी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो इंपोर्ट होती हैं। कैश की, तो जैसे हम यहाँ से कैश का लेजर ले लें, तो हमने यहाँ कोई इंट्री नहीं की थी। अगर हम इंट्री किए हुए होते कैश में, तो इस कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस 2017-18 का था वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ पे दिखता। तो अगर आप एंट्री करें और एंट्री करके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आया कि नहीं। वापस हम स्किप की से बाहर आएंगे, हम जैसे सेंडरी डेटर्स की देख लें या केटर्स की, मेगासॉफ्ट इंडिया का एक लेजर्स हम देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस है। ये देखिए, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो इम्पोर्ट होके आ चुकी हैं 2017-18 वाली कंपनी से 2018-19 वाली कंपनी में। ये देखिए, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था 56,000 रुपया, वो यहाँ ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आ चुका है, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,45,750, वो अब हम अगली कंपनी जो बनाएंगे 19-20 की, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस के तौर पे जाएगा। वापस हम एक और देख लें, जैसे कि हम देख रहे हैं सॉफ्टवर्क लिमिटेड की, जो कि हमारा सेंडरी डेटर्स है। ये देखिए, इसका भी आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ चुका है, और क्लोजिंग बैलेंस जो ये है इसका 2,16,000, वो आगे जो हम कंपनी बनाएंगे उसमें इंपोर्ट होके जाएगा। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे था। इसी तरह हम सेल्स की देखें, तो इसकी भी क्लोजिंग और ओपनिंग करंट बैलेंस आ चुका है इसका। इसमें कोई एंट्री हम नहीं किए थे सेल्स में सॉफ्टवर्क लिमिटेड के साथ, एक एंट्री हम यहाँ किए हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो एंट्री की थी सेल्स में, तो सारा जो बैलेंसेस आया था टोटल 1,96,000 आया था, और वही यहाँ पे है उसका क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होके अगली कंपनी में फॉरवर्ड होगी। तो
अगर यहाँ पे हम वेजेज वगैरह वेजेज ऑफिस रेंट जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर इनकम होता मेरा कोई, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे इसमें ना आता और वो जीरो बैलेंस शो करता। तो हमने एंट्री नहीं की है तो यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो वापस हम स्किप की से बाहर आएंगे और 2017-18 की जो भी लेजर्स हमने हम 2017-18 सेलेक्ट किया और इसकी जो भी लेजर्स थी इन सब का, जैसे हम ले लें नेट क्रॉप इनकॉर्पोरेट का, इसका जो है क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस 39,000, वो क्लोज ओपनिंग बैलेंस के तौर पे चला जाता 18-19 वाली कंपनी। फ्रेंड्स आपने सीखा यहाँ क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के तौर पे कंपनी में लाना एंड एक्सपेंसेस और इनकम की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे नहीं आता, यहाँ पे आपने वो भी सीखा। और एसेस्ट वगैरह करंट लायबिलिटीज वगैरह की एंट्री की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आ जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।